शशि जी, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस एजुकेशनल सेशन में आप आए हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आज का हमारा सेशन जो ये था कॉन्क्लेव का, ये कितना फ़ायदेमंद है और क्या आप हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए जो अगला हम करें उसमें हमारे दूसरे क्लाइंटों को फ़ायदा हो। मेरा नाम शशि है, मैं ऑक्टेगा ग्रीन पावर एंड शुगर कंपनी लिमिटेड से हूँ। हम लोग सर इंग्लिश लिकर बनाते हैं, दारू बनाते हैं हम लोग। मेरा यूनिट है, फैक्ट्री जो है वो कोल्हापुर में है, ऑफिस हमारा बांद्रा में है। ये जो सेशन है ये मतलब क्रेन्स के अंदर ये अभी मतलब काफ़ी सारे मैंने सेशंस ज्वाइन देखे हुए हैं और मतलब पार्टिसिपेट किया है, बट क्रेन वाला ये पहला कोई कंपनी है जिसने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और एक अवेयरनेस जो क्रेन्स के बारे में है वो उन्होंने मतलब वो लोग कर रहे हैं। ये तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो मैंने आज सीखा है वो ये कि एक क्रेन एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब पता तो है मुझे क्रेन क्या करता है कि वेट उठाता है जी, बट उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं या एक इनसाइड बोलते हैं जो अंदर जी, उसके बारे में जाना है मैंने और उसको किस तरह से मैनेज करना है जी, या एक पूरा प्रोसेस जैसे एक बोल सकते हैं कि कैसे उसका एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है समझना है उसको, फिर किस तरीके से उसका उसको डिसाइड करना है आपने, क्या क्या उसमें आपको इश्यूज आ सकते हैं जी, फिर इश्यूज आते हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसके बारे में जाना है। ये मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ये काफ़ी डिटेल्ड तरीके में था और इस प्रोग्राम को अगर और कुछ इम्प्रूवमेंट मेरी तरफ से अगर मैं चाहता हूँ तो जो कवरेज था बहुत अच्छा था, बट इसमें जैसे स्पेशली क्योंकि आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा बहुत प्रमोशन होना चाहिए। एक वो एक क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग एंगल से कि एक ये बेसिकली हाँ बट मुझे क्योंकि आप लोग क्रेन्स के बारे में बता रहे हैं तो रेवा किस तरीके से कंपटीशन से अलग है, क्या कोई मतलब देखिए कैसा है कि आपने अवेयरनेस तो किया है बट आप किस तरीके से अलग है कंपटीशन से, कोई चीज़ यूनिक है आपके बारे में, अलग है हाँ कोई चीज़ उसमें यूनिक है आपके बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो प्रोडक्ट आपने आज बताए जो भी आपके पास प्रोडक्ट है रेंज है उसका थोड़ा सा कुछ लाइव वीडियो वगैरह जैसे किस तरीके से चल रहा है या किस तरीके से लोड उठा रहा है वो चीज़ अगर उसमें डालते हैं तो उससे जो ऑडियंस है वो रिलेट करेगा और शायद वो जो उनके एंड पे क्या लगा हुआ है उससे रिलेट करके वो उनको एक अवेयरनेस आएगी, एक समझ आएगी जी। तो क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम है चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता जी, है जी, तो अगर उसके एंड पे कोई गलती हो रही है जो यहाँ पे वो समझ सकता है तो वो या तो वो करेक्ट करेगा या फिर आपको बुलाएगा जी। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वो चीज़ एक एडिशन करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माई प्लेजर कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू सर।